मैंने कारण बताया आपको कि हाल ही में जो निर्णय कांग्रेस पार्टी के द्वारा लिए गए हैं, कांग्रेस पार्टी जिन सिद्धांतों और नीतियों के लिए जानी जाती रही है उनसे विमुख हो रही है, कांग्रेस पार्टी जनता से विमुख हो रही है, कांग्रेस पार्टी को जनता से जो रिश्ता रखना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और कांग्रेस पार्टी इस देश को आज़ादी दिलाने में एक प्रमुख भूमिका अदा करने वाली पार्टी रही है, इसलिए उसे अपने उस इतिहास को याद करके आज काम करना चाहिए। राम मंदिर सर, राम मंदिर और सेना पर भी आपने बात कही है कि सर राम मंदिर का जो आप ठुकराया है निमंत्रण, जो सेना पर भी सवाल खड़े किए हैं, तो इनसे आप आहत हुए हैं कहीं ना कहीं? मैंने उसी समय बयान दिया था जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन होना था, उससे पहले मैंने सार्वजनिक बयान दिया था, कांग्रेस में मैं ही था। अत्यंत शिष्ट शालीन संस्कारित और मूल्यों के लिए राजनीति करने वाले हमारे मित्र सुरेश पचौरी जी और उनके साथियों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, और सबसे बड़ी बात है कि जब उनसे पूछा गया क्यों, कोई और कारण, कोई शर्त, उन्होंने कहा कोई शर्त नहीं, मैं तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब देश की सेवा करना चाहता हूं, कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है, ना नीति है ना नेतृत्व है और ना नियत ठीक है, मैं उनका यहां हृदय से स्वागत करता हूं। सुरेश पचौरी जी देश की राजनीति में पीओएम में दो बार मिनिस्टर रहे, रक्षा मंत्री रहे, सेवा दल के वो अध्यक्ष रहे, और मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस की राजनीति में एक स्वच्छ राजनीति करने वाला व्यक्ति, जिनको हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश में राजनीति के संत के तौर पर लोगों ने मानते हैं, आज उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी में आज उन्होंने ज्वाइन करके विश्वास व्यक्त किया है, और उन्होंने कहा है कि मैं बिना शर्त देश में काम करना चाहता हूं, समाज सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, और उन्होंने कहा कि जिन्होंने सेना पर प्रश्न खड़े किए, जिन्होंने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया, ऐसे लोगों को जवाब देने की आज देश के अंदर जरूरत है, तो उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया, मैं उनका स्वागत करता हूं। सभी लोग आ रहे हैं, कई विधायक, 5-6 विधायक भी आए हैं, पूर्व विधायक और भी वरिष्ठ नेता कांग्रेस का है, बूथ लेवल पर ज्वाइनिंग हो रही है, बूथ लेवल पर।